एके मिश्रा सर है जिनको सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर के नाम से जाना जाता है सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज के लिए, और खबीर सर डॉक्टर अब्दुल खबीर सर जो है जो आर्किटेक्ट है मेनली इस प्रोग्राम के, जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है। मेन पर्पस हमारे ये प्रोग्राम इनके साथ करने का है क्योंकि सर का विजन था कि हम ये प्रोग्राम करें, और हमारा पर्पस इस प्रोग्राम को करने को है कि हम ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन जनरल को एक काउंसलिंग सेशन देना चाहते हैं। हमारे दो ऑल दो हमारे स्टेट में अच्छे खासे सिविल सर्वेंट्स अभी भी आ रहे हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज में। इसीलिए हमने सर को यहाँ बुलाया है ताकि वो क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर है, वो मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को सो देट हमारा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का इन जनरल सिविल सर्विसेज के लिए बढ़ जाए। तो मैं सर को बोलना चाहूँगा कि वो बता दे इस प्रोग्राम के बारे में। मैं ए के मिश्रा, मैं चाणक्य अकेडमी का फाउंडर चेयरमैन हूँ। काफ़ी सालों पहले कल्पना हमने की थी, ओ एस अली भट्ट हमारे साथ वहाँ दिल्ली में काम कर रहे थे, कि जम्मू एंड कश्मीर के में एक माहौल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज की ओर लेके जाना है, और इसके लेकर के हमने करीब 6 साल पहले ये प्लान किया और जम्मू में हमने यहाँ एक सेंटर स्टार्ट किया। और वॉइस अली बैट ने काफ़ी अच्छा है कि इसमें माहौल बनाने में इसका मौका भी है। कई बार पहले भी हमने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मेरे ख्याल से यही 4th प्रोग्राम हम लोग का होगा पिछले कई सालों के अंदर में। जब भी हम आए काफ़ी हॉल खचाखच भरा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन, बच्चों का उत्साह रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर की खासियत रही है कि यहाँ के बच्चों के अंदर लगन काफ़ी है, सिख अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी, अभी भी थोड़ी सी कमी है, चूँकि जानकारी इसलिए ट्राइबल इंस्टीट्यूट का हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ट्राइबल बच्चों को भी कैसे सामने लेके आए। तो ये एक मौका है जिसमें सिर्फ ट्राइबल बच्चे नहीं बल्कि जनरल में भी एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर आज कुछ ऑफिसर्स सिलेक्टेड न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिसर्स हैं, वो भी सब लोग आज भी पार्टिसिपेट करेंगे, और हम कोशिश ये करने जा रहे हैं कि लोगों के अंदर में एक उत्साह भरें, उनको एक जानकारी दें, बेसिक फार्मूला समझाएं कि कैसे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को एक साइंटिफिक तरीके से आप कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं। आज चाणक्य अकेडमी के जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर हैं, श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है, और दोनों क्षेत्र मिला कर करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खास करके यूथ मिशन यूथ ने काफ़ी बड़ा सपोर्ट देते विश्वास दिखाते बड़ी संख्या में चाणक्य में जम्मू और कश्मीर दोनों में अच्छे स्टूडेंट को भेजा है, ट्राइबल इंस्टीट्यूट ने भी भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद एक अच्छी जो जानकारी के साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस और बढ़ेगा, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मैं इसी मकसद के साथ आज सेमिनार के लिए यहाँ पहुँचा हूँ, और जैसा कि आप ज्ञात होगा मैं एक और ऑल इंडिया में एक मोटिवेशनल टॉक के लिए मैं लगातार हर शहर के 2-3 में अलग अलग शहर के अंदर में जाता रहता हूँ, तो हमेशा मुझे एक बहुत बड़ा आकर्षण रहा है जम्मू आना, और इस बार फिर से देख करके आप सबों का सहयोग देखते हुए मुझे काफ़ी खुशी है। मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा पहुंचने में आप हमारी मदद करें। आप खबीर, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जम्मू से, और नोडल अफसर हूँ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी। अभी जैसे आपने देखा होगा 15 नवंबर को हमारा जनजातीय गौरव दिवस था, और ये जो वीक चल रहा है जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है, इसी में हमने एक प्रोग्राम करवाना था कैरियर काउंसलिंग सेशन अपने ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। वह साहब से एक दिन डिस्कस हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि हम इसको कोलैबोरेशन में कर लेते हैं चाणक्य IAS अकेडमी के साथ। ए के मिश्रा सर जैसे कि आपको पता है सक्सेस गुरु में, फिर मेरी अपने हमारे सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, उनको आना था, उनकी बाई चांस उनकी इलेक्शन ड्यूटी जो है वो एज ऑब्जर्वर किसी बाहर के स्टेट में जो है उनकी ड्यूटी लगी है, वहाँ चले गए हैं, वो नहीं आ पाए। बट वो CEO मिशन यूथ भी शाहिद सर ही हैं, जैसा कि आपको पता है मिशन यूथ ने भी अभी मिश्रा सर ने बताया है कि अपनी परवाज स्कीम के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट को दिए हैं, मेजर चंक उसमें चाणक्या को भी गया। इसी तरह ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के भी स्टार 100, नीट 50, टॉप 50 इस टाइप की डिफरेंट कोचिंग स्कीम्स जो है इस बार लॉन्च की गई हैं। मेन पर्पज़ ये है कि ट्राइबल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, वहाँ इस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, जैसे इंटरनेट और हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं
है, डिजिटल मीडियम सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन बहुत से बच्चे इस तरह के हैं जो एस्पायरेंट्स हैं वो कर सकते हैं लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज़, वो वे फॉरवर्ड रोड मैप जो है वो एक नहीं होता है। तो हमने चाहा कि एक सेंसिटाइजेशन हो जाएगी, मेजर जो चंक है डिफरेंट इलाकों से बच्चे जो है आज यहाँ पर आए हैं एस्पायरेंट्स का, जो रिपोंच किश्तवाड़ डोडा इस साइड से दूर दूर इलाकों से आए हैं, सर को सुनने के लिए आए हैं। और हमारा भी है कि मैक्सिमम टाइम हम सर को दें, उनके साथ बच्चों के साथ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें और एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाए यहाँ से। अभी रिसेंटली जेके पीएससी का मेंस का रिजल्ट भी आया है, बहुत से बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेटजी जो है सर से जानना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए हम पर्सनलिटी टेस्ट के लिए कैसे जाएँ। और जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एक, क्योंकि एग्ज़ाम मल्टी डायमेंशनल है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। सी सैट इंट्रोड्यूस हुआ यूपीएससी लेवल पर, फिर जे एंड के में सी सैट आ गया, फिर वो उसको स्विच ओवर करना, इसीलिए यहाँ के जो अभी लेटेस्ट बैच से कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो है पास आउट हुए हैं अभी, वो जो यहाँ भी जे एंड के कैडर में हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, वो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट, स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सर भी इंटरेक्ट करेंगे। और हमारा ये है कि मैसेज कैरी फॉरवर्ड होगा और काफ़ी सारे जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ट्राइबल जो है इकोनॉमिकली समर्थ नहीं होते, उसके लिए किस तरह से आपका, क्योंकि इसी के लिए जैसे मैंने बताया अभी कि हमने इस साल इवन नॉट ओनली दिस यूपीएससी या जेके पीएससी, इवन नीट और जेई के लिए भी बहुत सी तीन चार चार किस्म की कोचिंग स्कीम्स जो है वो निकाली हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अभी जो सर की तरफ सवाल आएगा, सर हमारा जिस तरह से आपने कहा कि काउंसलिंग सेमिनार कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स होंगे आईएएस केएस के लिए, आगे अगर कोई ज्वाइन करता है कोर्स उसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ताकि एक बीपीएल बच्चा भी इसमें पार्टिसिपेशन करे, या ट्राइबल्स के लिए कितनी आप कंसेशन देने वाले हैं सर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट को यहाँ के बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि इस सुविधा मिशन यूथ के द्वारा और ट्राइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत बड़ा फ्री कोचिंग का जो माहौल बन गया है, इसलिए बहुत बड़े बच्चे जो गरीब हैं और इकोनॉमी के कारण सिर्फ एजुकेशन में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे पास ही दोनों सेंटर यदि मिला लें कश्मीर और जम्मू मिला के 400 प्लस स्टूडेंट तो हमारे पास मिशन यूथ से ही हैं और प्लस ट्राइबल इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। तो पहली तो सुविधा वहीं है, रहेंगे हमारे अपनी ओर से तो हम भी अपनी ओर से एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम ओपन करते रहते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप का, तो उसमें हम लोग वी गो अप टू 100% ऑल्सो, जब भी जैसे बच्चों का टैलेंट है तो जो भी फीस है उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने बैचेज में कुछ ऐसे परसेंटेज जो हम इंस्टीट्यूट को अभी क्वालिटी से चला सकें, और ऐसे बच्चे हैं जो मिशन यूथ के द्वारा कि नहीं भी आ पाए तो हम उनको ले सकें, तो हमारा प्रोग्राम रहता है उसके लिए। हेलो एवरीवन, मैं ओवैसली बट चाणक्य आई एस अकेडमी जम्मू सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं करीब 10 साल से अब चाणक्य आई एस अकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा एक विजन था कि चाणक्य आई एस अकेडमी जैसा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के बच्चों को सहूलियत मिले, वो सारी चीज़ें मिले सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज की तैयारी के लिए, जो बच्चों को जिन चीज़ों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। आज का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल खबीर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने बेसिकली वही आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम हमें बोला कि इस तरह का प्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि हमने इसी प्रोग्राम के लिए हमारे चेयरमैन साहब ए के मिश्रा सर को बुलाया है। वो वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर है, अक्रॉस द कंट्री उनका स्पीच सुनने को मिलता है, यूट्यूब पे हैं, हर चैनल्स में रहता है, तो हमने उन्हीं को लाया है ताकि वो यहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे। और स्पेशली ये एक स्पेशल फोकस था ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कबीर साहब ट्राइबल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का आज के इस प्रोग्राम में, आप 2000 से ज़्यादा लोगों को देख रहे होंगे जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जो जिसमें सुपर 100 के नाम से इन्होंने प्रोग्राम में बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी हुई है, परवाज स्कीम जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑलरेडी शाहिद सर हैं, क्योंकि ये नर्चर्ड प्रोग्राम शाहिद सर, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर जो सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड सीईओ मिशन यूथ के हैं, उनका ही प्रोग्राम बेसिकली था, उनको ही स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करना था, बट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से उनको इलेक्शन ड्यूटी में किसी आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा, बट उनको रिप्रेजेंट किया फिर खबीर साहब ने और ए के मिश्रा सर जो चेयरमैन चाणक्य आई एस अकेडमी के हैं, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वो स्टूडेंट को ब्रीफ करेंगे जो भी तरीके से स्टूडेंट आज के दिन में सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज को लेकर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं,
वो सारी चीज़ों को किस तरह उनको टैकल करना चाहिए, पढ़ाई का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, नंबर ऑफ़ आवर्स कितना टाइम देना चाहिए, या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है या नहीं है, आज के दिन में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। इस प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, हरविंदर सर हैं जो ADC जम्मू है इस टाइम, अंजीत सिंह जी हैं जो IPS 2021 के हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे बच्चों के साथ, और AK मिश्रा सर सारे बच्चों को स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि चेंजिंग पैटर्न क्या है, किस तरह आप लोग को तैयारी करनी चाहिए, न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना चाहिए, या अगर बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें बहुत इनिशियल स्टेज के हैं तो वो ये भी बताएंगे कि इनिशियल स्टेज से आप लोग नोट्स बनाना कैसे चालू करना है, या एज एकेडमी हम कैसे उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट हम फीस तो चार्ज करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव यही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे, बट सारे लोग नहीं कर सकते, बट देन ऑल्सो अगर BPL है या वो लोग जो जिन बच्चों को ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते भी आए हैं, और अगर मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद है जिसको लगता है कि वो तैयारी करना चाहिए उनको, उनके पास फीस वगैरह है नहीं, तो वी विल अकोमोडेट दैट ऑल्सो। हम रेगुलरली स्कॉलरशिप्स भी देते हैं और हम आने वाले टाइम में भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस करेंगे, बट आज के दिन का क्योंकि ये प्रोग्राम के माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो इन सर्विसेज में जाए और मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करें।